Назад Индия стала полным членом ШОС, и мы внесли большой вклад во все мероприятия ШОС. Для того, чтобы увеличить роль ШОС и доверие. को आधुनिक युग में बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस को स्पष्ट करते हैं. हमने 2017 में काबुल और कंधार और नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन किया है. संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहारिकता और स्थिरता के लिए समान कनेक्टिविटी के पहलों के आधार होने चाहिए. फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल संपर्क का महत्व कम नहीं है. हमारी ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश एससीओ देशों के लिए उपलब्ध हैं. मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही एससीओ देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24/7 पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी. एक्सलेंसी, एससीओ क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण, एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है. हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है. हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टेक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ है. एक्सलेंसीज, हम सबका विजन हमारे क्षेत्र में हेल्दी कोऑपरेशन को मजबूत करना है. हेल्थ शब्द के अक्षरों से हमारे सहयोग के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है. एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, एल फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, टी फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी, एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन. एच फॉर हेल्थ केयर कॉरपोरेशन एसओ की 2019-2021 के लिए हेल्थ केयर कार्य योजना पर हमें जोर देना चाहिए. भारत को टेलीमेडिसिन और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने में खुशी होगी. ई फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है. एक पक्षवाद और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है. हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है. इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा. भारत एससीओ सदस्यों के सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं. इनसे एससीओ में द्वितीय वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा. ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है. जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं, आज भारत अक्षय ऊर्जा का छठा और सौर ऊर्जा का पांचवा बड़ा उत्पादक है. अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है. इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है. हम इस पहल में एससीओ के देशों को का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं. आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष
2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए हैं. एल फॉर लिटरेचर हमारे युवाओं को एक दूसरे के साहित्य को यानी लिटरेचर के परिचय हमारे संबंधों को गहराई देगा. एससीओ देशों की भाषा में भारतीय साहित्य की 10 श्रेष्ठ कृतियों का ट्रांसलेशन किया जाएगा. हाल ही में उज्बेकिस्तान के सहयोग से ताशकंद में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. इसमें मनोरंजक बॉलीवुड और उज्बेकी फिल्मों का समावेश था. लिटरेचर और कल्चर हमारे समाजों को एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करते हैं. खासकर यह हमारे समाज में युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन फैलाने से रोक सकता है. टी फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी. पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था. वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है. इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए. आतंकवाद को प्रोत्साहन समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है. एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए. भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है. एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन. भारत अपने क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में और डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है. हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी. हमें डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए. एक्सलेंसी बिश्केक डिक्लेरेशन का स्वागत सहयोग के लिए उपयोगी ब्लूप्रिंट मैं एक बार फिर से हमारे मेजबान महामहिम राष्ट्रपति जिनमें को धन्यवाद देता हूं. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और रूसी संघ की सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं. धन्यवाद. प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप सुन रहे थे एससीओ सम्मेलन में बोलते हुए. व्लादिमीर पुतिन को एससीओ की अध्यक्षता की बधाई देते हुए साथ ही भारत की तरफ से संपूर्ण सहयोग का वादा भी करते हुए. लेकिन टेररिज्म जो कि बार बार कहा जा रहा था, आतंकवाद के मुद्दे को प्रधानमंत्री जोर शोर से उठाएंगे एससीओ समिट में और वैसा ही प्रधानमंत्री द्वारा किया भी गया है. बड़ी बात हो जाती है कि एससीओ समिट की जब बात होती है तो उसमें चाइना और रशिया दो बड़े मेंबर्स मौजूद रहते हैं और वहां से आतंकवाद को लेकर जो मैसेज जाता है वो बड़ा होता है और साथ ही ये दिखाने के लिए काफी कि भारत आतंकवाद पर कितना ज्यादा संजीदा है. और साथ ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर कई बड़ी बातें कही गई हैं. आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मालदीव्स गए थे जो कि उनका पहला विदेश दौरा था उनके सेकंड टेन्योर में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे को वहां की जो संसद थी जोर शोर से उठाया था और एक बार फिर से आतंकवाद पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं इस समय आप अपने स्क्रीन पर बाकायदा पॉइंटर्स के जरिए देख पा रहे हैं. तो एक तरफ रशिया चाइना जैसे बड़ी मेंबर कंट्रीज और जब प्रधानमंत्री आतंकवाद की बात करते हैं तो हम और आप हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री आतंकवाद के जरिए किस मुल्क की बात कर रहे होते हैं. इमरान खान के लिए इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट हो नहीं सकता क्योंकि जब इंडिया आतंकवाद की बात करता है तो सीधे तौर पर कटघरे में कोई और नहीं भारत का पड़ोसी पाकिस्तान खड़ा होता है. और एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि आतंक से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का साथ आना जरूरी है,
ये सारे स्टेटमेंट्स खाली वर्ड्स नहीं हैं. ये टेररिज्म के खिलाफ कोलिशन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री. टेररिज्म के खिलाफ समिट की बात आपको याद होगा मालदीव्स की संसद में खड़े होकर उन्होंने कही थी कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए आतंकवाद को लेकर. कहीं ना कहीं आतंकवाद पर जो एक लीडरशिप की भूमिका है, जो एक लीडर की भूमिका है, जो एक सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करने वाली भूमिका है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकेंड टेन्योर में भी उसे आगे लेकर बढ़ रहे हैं. और एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे को उठाते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये एम्बैरेसमेंट, और साथ ही चाइना जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. पाकिस्तान बहुत ज्यादा निर्भर करता है चाइना पर. चाइना के माध्यम से भी भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. और हमने देखा है बीते दिनों में चाइना के रुख में भी भारत को लेकर एक बदलाव दिखा है. जब मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात उठी तब भारत के साथ आकर खड़ा हुआ चाइना. उसके रुख में नरमी दिखी. हालांकि पहले उसने वीटो लगाया था लेकिन बाद में वो भारत की लाइन पर ही लौट आया था. तो कुल मिलाकर भारत जिस अंतर्राष्ट्रीय कोलिशन की बात कर रहा है उसको तेजी मिल रही है. और ऐसे में सिर्फ एक ऐसे ही मुल्क को चिंता हो सकती है जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करता हो, जो आतंकवाद को पालता और पनपने का मौका देता हो. और पाकिस्तान एक तरीके से आप ये भी समझिए कि इस समय चौतरफा घिरा हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या बड़ी बातें आतंकवाद के मुद्दे पर कही गई, एक बार फिर से सुनिए आप. पिछले रविवार श्रीलंका के यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में एक चर्च गया था. वहां मुझे आतंकवाद के उस इन्होंने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है. इस खतरे से निपटने के सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए. आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है. एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए. भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है. तो भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी मेंबर कंट्रीज का आह्वान करता है. ये बताने के लिए काफी कि आतंकवाद किसी राष्ट्र विशेष की समस्या नहीं है. आतंकवाद अब एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है. आपको प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट भी याद होगा जो प्रधानमंत्री ने याद दिलाया था दुनिया को. जब भारत बार बार आतंकवाद का मुद्दा उठाता था तो कई दुनिया के देश ऐसे थे जो उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन 9/11 के बाद दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि आतंकवाद एक ग्लोबल चैलेंज है. और उसके बाद दुनिया भर में जिस तरह की डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की जरूरत. प्रधानमंत्री पहले भी बार बार इस बात को जोर दे चुके हैं, इस बात पर एम्फसाइज कर चुके हैं. अब ये तस्वीरें जो समय आपके स्क्रीन पर जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, जो बातें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, मालदीव्स की संसद में उनके एड्रेस में आपको याद होगा आज वो कह रहे हैं कि रोज मासूमों की जान लेता है. श्रीलंका में जो बड़ा आतंकी हमला हुआ ईस्टर के दिन उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया. कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की आतंकवाद किसी राष्ट्र विशेष की या देश विशेष की समस्या नहीं है. जो इसको स्पॉन्सर करते हैं, जो इसे समर्थन देते हैं, अब उनके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है. और जब भारत आतंकवाद की बात करता है, जब भारत गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करता है, जब भारत ये कहता है कि दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है, तो सीधा सीधा निशाना किसी और पर नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर होता है. और इन तस्वीरों में एक बात आपको और समझनी है कि ये सब बड़ी बातें आतंकवाद को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान के सामने कही है. पिछले रविवार श्रीलंका के यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में चर्च गया था. वहां मुझे आतंकवाद के उस इन्होंने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है. इस खतरे से निपटने के सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए. आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है. एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए. भारत आतंकवाद
आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। तो श्रीलंका में जो आतंकी हमला हुआ उसमें दुनिया ने आतंकवाद का एक बार फिर से घिनौना चेहरा देखा, और इसके अलावा आइसिस किस तरह से इराक और सीरिया में अपनी जड़ें खो रहा है और उसके बाद दुनिया के दूसरे मुल्कों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय गुट हैं उनके द्वारा नई कंट्रीज को टारगेट करना, नए नए देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, ये बताने के लिए काफी है कि चैलेंज बड़ा है। इसी चैलेंज को इंडिया समझ रहा है, क्योंकि इंडिया आतंकवाद के लिए एक बड़ी कीमत, आतंकवाद का दंश उसने झेला है, घाव झेले हैं, और इसीलिए भारत दुनिया के बाकी मुल्क तो आतंकवाद को लेकर बाद में जागे, लेकिन भारत हमेशा से विक्टिम रहा और इस बात को बार बार उठाता रहा। प्रधानमंत्री जब SCO समिट में ये बात बोलते हैं तो ये बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ भारत अपनी बात नहीं कर रहा है, वहां पर चाइना जैसा देश मौजूद है, वहां पर रशिया जैसा देश मौजूद है, बड़े मुल्क मौजूद हैं, और साथ ही वो देश भी मौजूद है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो देश भी मौजूद है जिसे लेकर बार बार उंगलियां उठती रही हैं, दुनिया भर में उसे कॉर्नर किया जा रहा है। आर्थिक कंगाली के दौर से अगर वो गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर जो उसका रुख रहा है, जो स्पॉन्सरशिप रही है, वो भी उसके कॉर्नर होने की या आइसोलेट हो जाने की, अलग थलग पड़ जाने की एक बड़ी वजह है। अब प्रधानमंत्री अपनी बात बोल चुके हैं, उन्होंने आतंकवाद को ग्लोबल चैलेंज बताते हुए पूरी दुनिया का आह्वान कर लिया। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि इमरान खान आकर क्या कहते हैं, इमरान खान के पास सफाई बची क्या है, इमरान खान की दलील क्या होगी, क्या वो भी वही घिसा पिटा पुराना राग जिसमें वो कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है, हम भी बड़ी कीमत चुकाते आए हैं, क्या उन्हीं पुरानी लाइनों को दोहराएंगे या किसी बड़े एक्शन की बात करेंगे। भूले नहीं, FATF में भी ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर इस समय पाकिस्तान है। पाकिस्तान को दुनिया भर को के प्रेशर को इस समय झेलना पड़ रहा है, दबाव को झेलना पड़ रहा है, अमेरिका उस पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि जो भी उसकी सीमा में जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन पर एक्शन लिया जाए, जो उनकी फंडिंग है उस पर ब्रेक लगाया जाए। तो पाकिस्तान इस समय जबरदस्त दबाव में है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है कि जब इमरान खान बोलने के लिए आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, क्योंकि आतंकवाद पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की घेराबंदी पूरे तरीके से हो चुकी है। फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी एक बार बहुत मुखर अंदाज में बोले हैं, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। पहले तो आपने प्रधानमंत्री की तरफ से बातें कही गई, एक बार फिर से उन्होंने कहा दुनिया को एक साथ आना है, और वो भी इमरान खान की मौजूदगी में, कैसे देखते हैं आप, क्या मायने निकाले? नहीं बिल्कुल शेर, जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ जो एक युद्ध छेड़ रखा है ये बहुत समय से उसकी कंटिन्यूटी, लेकिन आज इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि कुछ ही दिन पहले चाइना ने ये कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ बोलो लेकिन किसी एक राष्ट्र को टारगेट नहीं करो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अगर आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण बात है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज की कि हमें अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं, हमें ये नहीं है कि किसी आतंकवाद जो हमारे लिए एक ग्लोबल प्रॉब्लम है उसे ग्लोबल एफर्ट चाहिए, सबको मिलजुल के उसे एड्रेस करना चाहिए, और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोई एक राष्ट्र, साफ तौर से पाकिस्तान अगर इसकी सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे लोग इसे आस पर नहीं कर सकते। तो ये चाइना के लिए भी एक मैसेज है, और आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसकी तो उसकी कॉन्टिन्यूशन में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मंच से इस बात को उठाया है। हेलो जी 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 बोलिए सर, सुन रही हूं। जी मोदी जी ने हर मंच से इस बात को उठाया है और हर मंच से इस बात की कोशिश करी है कि आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल जिसे कह सकते हैं कि ग्लोबल एफर्ट मोबिलाइज करी जाए, ग्लोबल ओपिनियन मोबिलाइज किया जाए, और उस पर फिर इस बात का डिस्टिंक्शन नहीं रहे कि कौन सा आतंकवाद किसको सूट करता है, कौन सा राष्ट्र उसको सपोर्ट करता है, इसको छोड़ के इन सब चीजों को एक तरफ रख के पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इस जो बिनेंस है, जो घिनौना, जो उन्होंने शब्द लिखा कि आतंकवाद में मैंने श्रीलंका का घिनौना चेहरा देखा, इस बात को एड्रेस करें
और बाकी जो छोटी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वही एक बरकरार किया जाए। मैं सर आपसे ये समझना चाह रही थी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर, एक तो मैं अदिति हूँ। हाँ जी अदिति, सॉरी मैं नहीं कोई बात नहीं सर, एक और बात जो इट्स परफेक्टली फाइन सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, आतंकवाद को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भी मुखर रहे, ये पहली बार हम नहीं देख रहे कि प्रधानमंत्री आतंकवाद पर इतना खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बातें चाइना रशिया जैसे बड़े मुल्कों के सामने उठाते हैं और खासतौर पर चाइना को एक क्लियर कट मैसेज यहां पर देने की कोशिश होती है, तो क्या ये तस्वीर, क्या जो प्रधानमंत्री की बातें हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंस अज्यूम कर लेती हैं, ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और आप बदलते हुए देखते हैं कि चीजों को? बिल्कुल अदिति, जैसे मैंने अपने कमेंट्स में भी शुरू में यही कहा था कि हर फोरम से मोदी जी ने इस बात को उठाया है, लेकिन आज इस बात की विशेषता ये हो जाती है कि उन्होंने चाइना की स्टेटमेंट, एक बैकग्राउंड है जिसमें उन्होंने चाइना ने साफ साफ ये इशारा किया था कि आतंकवाद के खिलाफ बोलिए लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करिए। चाइना के जो स्पोक्स पर्सन थे उनका ये कहना था कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट नहीं करना चाहिए, इशारा पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन मोदी जी ने चाइना की प्रेजेंस में, रशिया की प्रेजेंस में इस बात को डंके की चोट पे कहा है कि अगर कोई राष्ट्र इस बात को सपोर्ट करता है तो हमें हर हालत में उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो ये मैसेज पाकिस्तान के लिए तो है ही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन चाइना के लिए भी ये मैसेज है कि आपने बहुत हद तक काफी देर उसको पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, बट आपको भी समझना चाहिए कि दस पार एंड नो फर्दर, अब इससे ज्यादा आप इस बात की सपोर्ट नहीं करिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इस बार चाइना में भी थोड़ा बहुत इस बात की एहसास हो रहा है इस बात को कि उन्होंने अभी पीछे अजहर महमूद को लेकर थोड़ा जो डायल्यूट की अपनी पोजिशन को, और जो इंटरनेशनल प्रेशर जो हमने बिल्डअप करवाया था उसके चलते हुए उन्होंने अपना रुख बदला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जी, मसूद अजहर को लेते हुए, मसूद अजहर को लेकर। हाँ मसूद अजहर, तो वो जो आज की तारीख में मतलब कह सकते हैं कि भारत अपनी पोजीशन पे जो है कायम है, चाइना कुछ भी कहे, पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट करे, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करेगा वो पूरी दुनिया का दुश्मन है, और पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर हमें इस आतंकवाद से तो लड़ना ही लड़ना है, और हर उस राष्ट्र को जो इसको सपोर्ट करता है उसको भी आइसोलेट करता है और उसको भी टारगेट करना है। मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है सर, मेरे साथ दो खास मेहमान और हैं, मैं एक कमेंट उनका ले लूं क्योंकि उसके बाद मैं आपसे, क्या ये टेररिज्म पर लीडरशिप रोल अज्यूम करने जा रहा है इंडिया, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, मैं आऊंगी उस कमेंट के लिए आपके पास आगे सर, लेकिन सबसे पहले अब्दुल रजाक आपका कमेंट, प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले जब मालदीव्स में बोले थे तो एक 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 बात कही गई थी कि पड़ोसियों से बैर नहीं लेकिन पाकिस्तान की खैर नहीं, आतंकिस्तान की खैर नहीं। देश को पाकिस्तान से थ्रेट था, है, और इसको खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो एससीओ समिट है ये लोग क्या हमको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का नाम नहीं लेने से मुझे लगता है कि मोदी जी ने कहीं ना कहीं सुकुम कर दिया, मतलब चाइना के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था पाकिस्तान। अच्छा आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया चाइना के प्रेशर में आकर, ये कह रहे हैं आप मुझसे? एग्जैक्टली हाँ, आप नहीं जानते पाकिस्तान और आतंकिस्तान एक दूसरे के, मतलब जब कहते हैं आतंकिस्तान तो कौन है, जब आतंकवाद की बात इंडिया करता है तो कौन है, इंडिया किसकी बात कर रहा है, नहीं जानते आप? आपको लगता है ग्लोबल कम्युनिटी ये बात नहीं जानती? मेरी बात सिर्फ सिंपल है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, इसको पूरी दुनिया के सामने लाना जरूरी था। मुझे नहीं लगता कि क्यों प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने सरेंडर कर दिए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को उन्होंने कमजोर समझा। अच्छा ठीक है, आप इसमें पॉलिटिक्स लेकर आए, ठीक है। नेहा जोशी अब्दुल रजाक कहते हैं, सुनिए ना प्लीज, काउंटर सुनिए सर, ऐसे ही मत कुछ भी एलिगेशन लगाइए ना, एससीओ समिट बड़ा समिट है, हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। नेहा जोशी, अब्दुल रजाक कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के सामने सरेंडर किया क्योंकि चाइना ने ये बात कह रखी थी, आप आतंकवाद पर बात कीजिए लेकिन किसी एक मुल्क को टारगेट मत कीजिए।
अदिति, कल ही जी न्यूज पर मैं आपकी कुलीग के साथ थी और मैंने एक बात कही थी कि ट्रेडिशनली आप देखेंगे इंडिया ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया है हमेशा, सबको खुश रखने की कोशिश की है हमारे पुराने जो सरकारें थी उन्होंने, लेकिन मोदी जी के आने से जो एक बदलाव आया है आज इंडिया फर्स्ट की एक पॉलिसी, अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें हमारी तो इंडिया फर्स्ट, अपने इंटरेस्ट को फर्दर करने में हम किसी भी चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं और उसी का एक एग्जाम्पल आपने यहां देखा। कल भी मैंने ये बात कही थी कि ये इस अपॉर्चुनिटी को मोदी जी बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे, चाइना चाहे कुछ भी कहता रहे। आज उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा रेज किया नहीं, नहीं, और मुझे लगता है ये कहना इसमें कोई डाउट नहीं। प्राइम मिनिस्टर बहुत खुलकर बोले हैं, बहुत मुखर अंदाज में बोले हैं। सुनिए नेहा जोशी, लेकिन जो सवाल था, अब्दुल रजाक ने कहा पाकिस्तान का नाम क्लियर कट क्यों नहीं लिया, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि हम सब जानते हैं जब इंडिया आतंकवाद की बात करता है तो उसका सीधा सा मतलब पाकिस्तान से। ठीक है, ले रही हूं आपके सवाल का जवाब सर, पेशेंस। सबसे पहले मुझे लगता है किसी को भी अगर थोड़ा सा भी विदेश नीति और कूटनीति के बारे में जानकारी हो तो यहां तू-तू मैं-मैं नहीं चलती है। एससीओ समिट जो है वो एक बायलैटरल टॉक्स के लिए समिट नहीं है, एक लार्जर एजेंडा होता है समिट का, लेकिन उस समिट में जाकर भी अपने एजेंडा को पहले रखना, उसकी तारीफ करते हुए अब्दुल रजाक खान से नहीं बन रहा है। आज तक क्यों कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाया जिस तरीके का स्ट्रांग स्टैंड आज नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। तो देखिए, कमी अगर आपको निकालनी है, मोस्ट वेलकम डेमोक्रेसी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको कहना चाहूंगी कि आज जिस तरीके का एक निर्णायक स्टैंड भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने लेकर दिखाया एससीओ समिट में, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप मुझे पीछे दिखा दें, और अगर नहीं तो आप ये बात माने कि आज हमारा देश एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा है कि हम अपने इंटरेस्ट को पहले रख सकते हैं और चाइना समेत पूरी दुनिया हमारी बात सुनने पर मजबूर है। पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले प्रधानमंत्री लोग भी गए हैं, जो भी मोदी जी करते हैं वो हमेशा सही नहीं है। आप दोनों को रोक रही हूं यहां पर, इमरान खान बोल रहे हैं। हम तकनीकी खामी के चलते ऑडियो हम तक आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं इस समय, बाद में आपको सुनाएंगे क्या कहा इमरान खान ने। लेकिन हमारे साथ के सिन्हा साहब भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट भी अपने कह सकते हैं। के सिन्हा साहब, प्राइम मिनिस्टर टेररिज्म पर बोले हैं, खुलकर बोले हैं, बार बार बोले हैं, मुखर अंदाज में बोले हैं, चाइना के सामने बोले, रशिया के सामने बोले, लेकिन अब्दुल रजाक खान को यह तकलीफ है कि प्राइम मिनिस्टर आतंकवाद पर तो बोले पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। देखिए, ये जो एक जब आप ऐसे समिट में जाते हैं, एससीओ का समिट है चाहे दूसरे देश में जाते हैं, प्रधानमंत्री मालदीव में भी गए थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम खुल के नहीं लिया था, वो श्रीलंका भी आए तो खुल के नाम नहीं लिया। आप अपने शिष्टाचार और जो विश्व के अंदर में एक राजनीति, एक जो हमारा को ये होता है बायलैटरल और कोलैटरल और मल्टीलैटरलिज्म में ऐसे नाम नहीं लेते हैं, मगर संकेत में बातें होती हैं और संकेत साफ है। सबको पता है कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर है, श्रीलंका के ऊपर में जो बात आ रहे हैं उसके साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। जब सब आप जब बात करते हैं, आप क्या मैसेजिंग है ना, आप उन लीडरों को बता रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं, तो इसमें आप नीचे नहीं गिर जाते हैं, तू तू मैं नहीं आ जाते हैं, जैसे हम लोग टीवी डिबेट में भी कभी कभी कर लेते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री वहां गए हैं, एक बड़े बहुत बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भारत इतना नीचे नहीं गिर सकता है। और यदि वो कहें कि नहीं, उनको खुलकर कहना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जिनको इन चीजों के बारे में ना समझ है वो ऐसा बातें करेंगे। प्रधानमंत्री यदि बात कर रहे हैं टेररिज्म का, तो किसकी किसके लिए बात कर रहे हैं? यदि वो चाइना को भी बताते हैं बायलैटरली, और ये देखिए फॉर्मल मीटिंग के अंदर, फॉर्मल मीटिंग में जो अपने एड्रेस में बताते हैं, आप यदि याद करें चाइना में भी जब हुआ था ये पिछला जो एससीओ समिट था, उस समय भी तो ये बात प्रधानमंत्री इसी अंदाज में बोले थे, मगर इतने खुलकर नहीं बोले थे, उन्होंने इन चीजों को नहीं लाया था कि आप इसमें इस सबको एक साथ आना होगा, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, यदि आप नहीं आते हैं। यही बात उन्होंने मालदीव में कही है, यही बात वो श्रीलंका में कह रहे हैं, यही बात एससीओ में कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात। आतंकवाद का मुद्दा भारत बार बार उठा रहा है, हर बड़े मंच पर उठा रहा है, और आज यकीन मानिए मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, एक बार फिर से चाइना के लिए भी बहुत ही स्टर्न, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इन शब्दों में प्रधानमंत्री के। एक छोटे ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे तो आपको सुनवाएंगे इमरान खान क्या कह रहे हैं।